चिड़िया पेट से थी और जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो अनाज की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। थोड़ी दूर आने पर उसे एक अनाज का खेत दिखाई दिया। अरे वाह, इतनी अच्छी खेती है, मैं अब हर रोज यहीं से अनाज लेकर जाऊंगी। कल आते वक्त मैं कालू भैया को भी अपने साथ लेकर आऊंगी। तभी उसके पेट में दर्द होने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, मेरे पेट में अचानक से दर्द क्यों शुरू होने लगा? डॉक्टर चाची ने तो 8 दिन बाद का वक्त दिया था, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। टुनटुनी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी दूर आने पर टुनटुनी का पेट और ज़्यादा दर्द करने लगता है। अरे शायद मैं घर तक नहीं जा पाऊँगी, मुझे यहीं कहीं पर अच्छी जगह ढूँढनी पड़ेगी। टुनटुनी दर्द में थी, इसीलिए वो आसपास अच्छी जगह ढूँढने लगी। थोड़ी देर ढूँढने के बाद टुनटुनी को वहाँ एक खाली घोंसला एक दरख्त पर दिखाई दिया। हाँ, ये घोंसला ठीक रहेगा, शायद इस घोंसले में कोई नहीं रहता। अंदर से बच्चे बाहर आने तक मुझे इसी घोंसले का सहारा लेना होगा। थोड़ी देर बाद टुनटुनी उस घोंसले में दो प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। अरे ओ चिड़िया, क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में आकर अंडे देने की? जी, मेरा नाम टुनटुनी है और मैं अनाज ढूंढने के लिए पास वाले जंगल से इस जंगल में आई थी, लेकिन फिर वापस जाते वक्त मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा। मैं घर तक जाने का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, तभी मुझे ये घोंसला दिखाई दिया और मजबूरी में मैंने यहाँ पर अंडे दे दिए। हाय रे, एक तो तूने मेरा घोंसला छीना और ऊपर से तूने इसमें अंडे भी दे दिए। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। क्या बच्चे बाहर आने तक आप मुझे यहाँ पर रहने दोगे? बढ़िया, यहाँ पर रहने वाली, अगर मैंने तुझे ये घर दे दिया तो मैं कहाँ पर रहूँगी? एक तो ये ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। सुन रही चिड़िया, तो अभी के अभी ये अपने अंडे उठा ले और निकल यहाँ से, नहीं तो मैं इन्हें ज़मीन पर फेंक दूँगी। एक तो इस जंगल में शिकारी पंछी घूमते रहते हैं, मैं और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कीजिए, मैं अपने अंडे लेकर यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन मुझ पर एक एहसान कीजिए, मैं एक साथ दो दो अंडे नहीं ले जा सकती। मैं अभी एक अंडा लेकर मेरे घर चली जाती हूँ, फिर वापस आकर मैं दूसरा अंडा लेकर जाऊँगी। ठीक है ठीक है, लेकिन जल्दी करना, मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं, उनके आने से पहले तू तेरे ये दोनों अंडे लेकर यहाँ से चली जा। बेचारी टुनटुनी चाहती तो रानो चिड़िया की एक ना सुनती, लेकिन अंडों के खातिर वो मजबूर थी। उसने देर ना करते हुए एक अंडे को उठाया और निकल पड़ी अपने घर की तरफ। अच्छा हुआ मैंने सुबह ये घोंसला देख लिया था, मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। क्या पता ये किसका घोंसला है। बस एक बार ये चिड़िया इस बचे हुए अंडे को यहाँ से ले जाए, फिर मैं इस घर में आराम से रह सकती हूँ। रानो चिड़िया सपने में खोई हुई थी, तभी एक शिकारी चील वहाँ पर आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? जी, वो मेरे पेट में दर्द हो रहा था, तो इसलिए मुझे अंडा देने के लिए मजबूरी में इस घोंसले का सहारा लेना पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी मेरे अंडे को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती चिड़िया, मैं इस घोंसले में मेरे मारे हुए शिकार रखता हूँ। रोज तुम्हारे जैसे बहुत सारे पंछी इस घोंसले में रहने के लिए आ जाते हैं। एक बार कोई पंछी यहाँ पर आ गया तो फिर वो यहाँ से वापस नहीं जा सकता, वो सीधा मेरे पेट में जाता है। अब तो मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, इसलिए अब मैं पहले तेरे अंडे को खाऊंगा और फिर रात में तुझे। अरे ओ मनहूस, तू मेरे अंडे को जरा हाथ तो लगा के दिखा, फिर देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, लगता है तुझे तेरी जान से ज्यादा ये अंडा प्यारा है। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। शिकारी चील रानो चिड़िया पर हमला बोल देता है। चील ने रानो को अपने पंजों से घायल कर दिया और वो अंडा लेकर वहाँ से
चला गया। चील वहां से अपने दूसरे अंडे की तरफ मुड़ जाता है। वो उस अंडे को वहां पे रख देता है। शिकारी चील वहां से चला जाता है। चाहती तो रानू उस अंडे को आराम से शिकारी चील को खाने देती, लेकिन आखिर वो भी एक चिड़िया थी ना। उस वक्त उसे अपनी जान से ज्यादा उस अंडे की फिक्र होने लगती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी वापस आ जाती है। उसने देखा कि रानू चिड़िया जख्मी है और उसका अंडा भी गायब है। मुझे माफ कर दो चिड़िया, शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चला गया। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था इस जंगल में शिकारी पंछी घूमते हैं। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। टुनटुनी चिड़िया रोने लगी। वो कुछ नहीं कर सकती थी, फिर भी उसने रानी चिड़िया को अपने घर लाकर उसका इलाज किया। कालू कौवा उसी इलाके से गुजर रहा था, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? मुझे कहीं पर रुकना होगा। सामने एक घोंसला दिख रहा है, मैं बारिश थमने तक इस घोंसले में रुक जाता हूँ। कालू कौवा उसी घोंसले में रुक जाता है जहाँ पर शिकारी चील ने टुनटुनी का अंडा रखा था। जैसे ही कालू उस घोंसले में चला गया उसे बहुत डर लगा। अरे बाप रे, ये तो किसी शिकारी चील का घोंसला लगता है। अभी यहाँ पर बहुत सारे पंछियों के कंकाल हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो बहुत सारे अंडे भी हैं। लगता है शिकारी चील ने इन अंडों को खाने के लिए रखा है। अरे ये तो मेरा अंडा लग रहा है। इससे पहले कि वो लौट आए मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ। कालू कौवा उसका अंडा लेकर वहां से चला जाता है। इधर टुनटुनी रानी चिड़िया को मरहम पट्टी करती है, तभी वहां पर बुलबुल चिड़िया आ जाती है। अरे टुनटुनी बहन, ये नई चिड़िया कौन है और ये ऐसे घायल कैसे हो गई? टुनटुनी सारी बात बुलबुल चिड़िया को बताती है। क्या बताऊं टुनटुनी, 2 दिन पहले मेरे 2 अंडे गायब हुए थे। शायद वही चील मेरे अंडों को ले गई है। तभी गोलू कबूतरी वहां पर आ जाती है। तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ? क्या बताऊं बहनों, अभी अभी मेरे अंडों को एक शिकारी चील उठा कर ले गई। इतने सालों बाद मैं माँ बनने वाली थी। तभी कालू कौवा हाँफते हुए टुनटुनी के घर आ जाता है। अरे कालू भैया, क्या हुआ, आप इतने हाँफ क्यों रहे हो? क्या बताऊं टुनटुनी, मैं अनाज लेकर घर की तरफ वापस आ रहा था, तभी बारिश शुरू हो गई। इस वजह से मैं एक घोंसले में ठहरा हुआ था, लेकिन मैंने देखा आप वहाँ पर बहुत सारे मरे हुए पक्षियों के कंगाल थे और बहुत सारे पंछियों के अंडे भी थे। वो एक शिकारी चील का अड्डा है, वहाँ उन मरे हुए अंडों में मेरा भी अंडा था। मैं वहाँ से अपना अंडा लेकर तुम्हारे पास भागते हुए आ गया। कल्लू भैया, अच्छा हुआ आपको उस अड्डे का पता चल गया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो टुनटुनी? टुनटुनी चिड़िया सारी बातें कल्लू कवे को बता देती है। अरे बाप रे, ये बात है, तब तो हमें उन सारे अंडों को उस चील के खाने से पहले उस घोंसले से निकालना होगा। कालू भैया, हमें शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेना होगा। वो कैसे टुनटुनी? टुनटुनी सारा प्लान कालू कवे को बता देती है। प्लान थोड़ा रिस्की है, लेकिन हमें ये करना ही पड़ेगा। कालू कौवा फिर से निकल पड़ता है और उसी चील के घोंसले के पास आ जाता चील है। चील उसी घोंसले में आराम से अंडे गिन रहा था, तभी कालू जानबूझकर ढकार देने लगता है। आज तो मजा ही आ गया। कालू की डकार सुनकर चील को गुस्सा आ जाता है। अरे ओ कालू कौवे, तुझे क्या मस्ती आ गई है? ऐसा क्या खा लिया तूने जो इतने मजे से डकार मार रहा है तू? आप खाते रहो ये पक्षी के छोटे छोटे अंडे, मैंने तो शुतुरमुर्ग का अंडा खाया है। क्या क्या कहा तूने, शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ पर मिले तुझे? यही पास में ही है, उन अंडों की माँ मर गई है, अब वो अंडे ऐसे ही पड़े हैं। मेरा तो एक अंडे में ही पेट भर गया, क्या तू मुझे उन अंडों तक लेकर जा सकता है? ले तो मैं जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? उन अंडों के बदले में तू ये सारे अंडे ले जा। अच्छा फिर ठीक है,
आओ मेरे पीछे पीछे। कालू कौवा चील को लेकर वहां से निकल पड़ता है। वो देखिए वहां पर हैं शुतुरमुर्ग के अंडे। अब मैं चलता हूँ, मुझे घर जाना है। ठीक है। शिकारी चील उस अंडे को खाने लगती है। चील के जाते ही टुनटुनी चिड़िया, बुलबुल चिड़िया और गोलू कबूतरी सारी अंडे लेकर टुनटुनी के घर पर जमा हो जाती हैं। वो उस अंडे पर चोंच मारती है। अरे ये अंडा टूटता क्यों नहीं? शुतुरमुर्ग का है ना, तो थोड़ी जोर से चोंच मारनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर चील ने उस अंडे पर जोर से चोंच मारी। जैसे ही शिकारी चील जोर से उस अंडे पर अपनी चोंच मारता है, उसकी चोंच टूट जाती है। अरे मर गया रे, ये कैसे अंडे हैं? बारिश और तेज हो जाती है। कालू कौवे ने जो नकली अंडे बनाए थे उस पर से सारा रंग निकल जाता है। अरे ये तो पत्थर के अंडे हैं। उस कलमुए कालू ने फंसाया मुझे। कालू कौवे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इधर टुनटुनी चिड़िया को अपना खोया हुआ अंडा मिल जाता है। बुलबुल चिड़िया और गोलू कबूतरी को भी अपने अपने अंडे मिल जाते हैं। जो अंडे बचे हुए थे, रानी चिड़िया उनको पालने की जिम्मेदारी ले लेती है और सारे हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।